बातें करूं, कुर्सियों के खाली कुर्सियों के साथ बातें करूं, मैं किसके साथ? जो करारदादे थी वजीर आला साहब, 4 से 6 मोकमे उनके पास हैं। मैं एक मिनट, मैं आ रहा हूं जनाबे वाला। आप मुझे बताएं, मैं इधर गैलरी में बैठे हुए अपने मुअज्जज़ मेहमानों के साथ बात करूं? जनाबे वाला, ये असेंबली जिस तरह मैंने पहले कहा, इसकी कोई वक़्त और हैसियत होती थी? सरदार अताउल्लाह मेंगल से लेकर नवाब अकबर खान बुगटी, खान अब्दुल समद खान जैसे लोग इसमें होते थे। ये असेंबली बलोचिस्तान की जेब व जीनत थी, बलोचिस्तान के अवाम की तकदीर के फैसले करते थे। आज बख्ती बलोचिस्तान की किस्मत देखें कि हम मसलन इस असेंबली की वक़्त इतनी हो गई है कि न सवाल का जवाब मिलता है, न तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब मिलता है। 2 साल से 2 दर्जन करारदादें, पानी, बिजली, लाइब्रेरी, स्कूल, खूनी सड़कें, खूनी शाहराएं, सी पैक, रोजगार, औरतों के हकूक, मजदूरों के हकूक, सबसे मुतल्लिक करारदादें हमने पास की। जनाबे वाला, किसी में इतनी भी हिम्मत नहीं हुई, वक्त नहीं थी कि करारदादों पे कम अज कम सूबाई सतह पर, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि हम जाएंगे इस्लामाबाद और उनको बात मनवाएंगे कि जनाबे वाला हमारे पास बिजली नहीं है, हमें बिजली दे दें, हमारे साथ ये। चुप कर बेटा खाना, चुप कर यार, इसको चुप करवा जनाबे वाला। जनाबे वाला, मैं आपको बताऊं जनाबे वाला, ये बजाय असेंबली में संजीदा बलोचिस्तान के मसाइल को लेने के, इनका इनका काम इस असेंबली की वक्त क्या रह गई है? 2 दर्जन करारदादों पर सूबे की सतह पर, सूबे में भी मैं बता रहा हूं, आप बैठिए, मैं बता रहा हूं, छोटे छोटे मोकमे, जनाबे चेयरमैन, मैं बताऊं, बैठ जाए, बैठ जाए जनाबे चेयरमैन, मैं बताऊंगा, मैं उनको याद दिलाऊंगा। अगर आप जनाबे चेयरमैन मुझे मुखातिब कर ले, आप जी जनाबे चेयरमैन डायरेक्टर से बात कर ले, मुझे जनाबे चेयरमैन आप हाउस में ऑर्डर करवाए, उनको समझाएं, ये कैफेटेरिया नहीं है, ये बलोचिस्तान का मुकद्दस ऐवान है, जिसने सुनना है बैठे, जिसने बातें करनी है, मजलिस करना है, लतीफा गोई करनी है, बाहर चला जाए। यह बलोचिस्तान की अवाम की तकदीर का फैसला करने वाला है। सारे बच्चे बेच दिए असेंबली में, जिनको तमीज नहीं, जिनको आदाब नहीं, जो बलोचिस्तान के रस रिवाज और नहीं, जहां अकबर खान बुख्ती बैठा करता था, जहां सरदार अताउल्लाह मेंगल बैठा करता था, सुने दिनेश, बैठ जाए, आप बैठ जाए, मैंने बताया था चेयरमैन, जब तक फ्लोर नहीं दूंगा आप बात ना करेंगे, चेयरमैन आप बात देखकर उनको बात करने देंगे, मुझसे मुखातिब होगा, डायरेक्ट मुखातिब नहीं करेगा, मुखातिब कर रहा हूँ जनाब, मुखातिब करें आप। हम कह रहे हैं कि जनाबे वाला, इस्लामाबाद वाले हमारी बात नहीं मानते। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ये 2 दर्जन के करीब करारदादें सूबाई हुकूमत की मौकमों से मुतल्लिक है। जब आपके सूबाई हुकूमत का एक मौकमा सोशल वेलफेयर वाला माजूरों से मुतल्लिक कोई पॉलिसी नहीं बनाता, जबकि असेंबली ने करारदाद पास किया है। आप लाइब्रेरियों से मुतल्लिक, स्कूलों से मुतल्लिक, स्कूल की इमारतों से मुतल्लिक, बच्चों से मुतल्लिक, सिलेबस से मुतल्लिक, पानी से मुतल्लिक, सड़कों से मुतल्लिक, ये सूबा अपने सूबाई मौकमे जनाबे वाला, 2 साल से हमारी करारदादों का जवाब नहीं आया, और ये मुश्तरका करारदादे हैं, मुत्तफका करारदादे इस असेंबली से पास हुई। क्यों इस्लामाबाद वाली आपकी बात मानेगा? ऐसे लंगड़े लूले लोगों की बात इस्लामाबाद वाले मानेंगे? जनाबे वाला, ये जनाबे वाला, इस्लामाबाद बैठ जाए, बैठ जाए, जनाबे वाला दनेश बैठ जाए, जनाब चेयरमैन, तुमको जनाब चेयरमैन, जनाब चेयरमैन, जनाब चेयरमैन, मैं आपको मुखातिब हूँ, इसका बात वापस लो अपना, जनाब स्पीकर, इसने जो लग भी जाए, जनाब गैर पार्लिमानी अल्फाज अजब किए जाए, तमाम गैर पार्लिमानी अल्फाज अजब किए जाए, आप बैठ जाए, जनाब चेयरमैन बैठो, तुम भी चेयरमैन, जिसकी दलगिरी गणेश, अगर बगैर इजाजत इस्लामाबाद की तुम्हें बाहर निकालो, मैंने बता दिया कि खैर पार्लिमानी अल्फाज अजब किए जाए, मैं बैठा हूँ ना, जनाब बैठा हूँ, मैं कार्रवाई संभाल रहा हूँ, आप बैठ जाए,
अपने जनाब चेयरमैन जाइए, अगर आपने सुनी नहीं सुनी है। जनाब चेयरमैन जी, आपने मुझे कहा कि इस करारदाद पे बात करें। जी आप बात कर ले, बात कर ले। अब देखें, मैं एहतजाजन ये 25 करारदादे हैं, 25 करारदादों में से एक करारदाद पे भी ना तो सूबाई हुकूमत ने अमल किया है, ना कोई इसका जवाब आया है, ना कोई वफाकी हुकूमत ने किया है। ये अफसोस का मकाम है जनाबे वाला। आज मैं इसलिए आज दिल खून के आंसू रोता है कि बलूचिस्तान के अवाम ने इस हाउस पे बहुत बड़ा एतमाद किया। आज उस एतमाद का नतीजा ये निकला है कि एक मोकमा वो आपके सवालात का जवाब नहीं देता, आपके करारदाद पे पॉलिसी नहीं बनाता। तो हम किसके साथ बात करें? उनको पता है जनाबे वाला सारी खाली कुर्सियां हैं। अगर ये संजीदा, ये असेंबली संजीदा होती और संजीदा अपने आपको समझती तो जनाबे वाला हमारे साथ ये सलूक नहीं होता। मैं एहतजाजन इस करारदाद पे तफसील में बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं अब इस पर नहीं करूंगा क्योंकि आजी जाबिद साहब का जो तहरीक इल्तवा है खूनी सड़कों से मुतल्लिक, हम उस पर बात करेंगे। शुक्रिया। कजूरों पर बार की आमद के साथ आने वाले सब्ज पत्तों का कोई खुशी की कोई जश्न नहीं था जनाबे वाला। ये सी पैक की बदौलत कजूर बलोचिस्तान को मिलने वाली लाखों मुलाजमतों, बेशुमार आला तालीमी इदारों, बेमिसाल कारकर्दगी वाले अस्पतालों की खुशी की कोई तकलीफ नहीं थी जनाबे वाला। कल जिस इज्तिमा को आपने देखा, ये पंजूर और बलूचिस्तान में चेक पोस्टों के खात्मे, पत्ताखोरी पर पाबंदी, सरहदों से आजाराना तजारत की खुशी में होने वाला कोई जलसा नहीं था जनाबे वाला। ये हजारों की तादाद में बलूचिस्तान के ग्रेजुएट बच्चे और बच्चियों की वालदैन की कोई तकरीब नहीं थी जनाबे स्पीकर। ये जनाजा 14 मासूम बलूचिस्तानियों का जो पंजूर से अपनी जमा पूंजी उठा के निकले थे, या तो वो कराची इलाज मुआवजे की गरज से जा रहे थे, या तालीम की गरज से जा रहे थे, या कुछ छोटी मोटी तिजारत की गरज से जा रहे थे। ये बलूचिस्तान के सबसे गरीब उलाल मफलूक उलाल पंजूर के शहरी थे। बल्कि जनाबे वाला मैं सादे अल्फाज में ये कहूंगा, ये जनाजा था हमारी खराब हुक्मरानी का जनाबे वाला। ये जनाजा था नामयाब जमहूरियत का, वफाकियत का, इंसाफ का, मसावात का, भाईचारे के अलमबरदार इस्लामाबाद की कयादत का जनाबे वाला। ये जनाजा था उस निजाम का जहां हुक्मरान खुद जहाजों पर सफर करते हैं, लेकिन उनकी रियाया और उनके शहरी इन खूनी शाराओं पर जो है वो चीतड़ों में तब्दील हो जाते हैं जनाबे वाला। ये जनाजा था वफाकी हुकूमत यानी इस्लामाबाद के उन बुलंद बांग दावों का जो बलूचिस्तान की खुशहाली, खुशबख्ती और इसकी तरक्की से मुतल्लिक करते हैं जनाबे वाला। ये जनाजा था बलूचिस्तान की पीएसडीपी का, जिसका हर साल जून में यहां जश्न मनाया जाता है, 470 अरब रुपए वाली पीएसडीपी का, जिसमें बलूचिस्तान की तरक्की, खुशहाली, खुशबख्ती, आसूदाली की बात की जाती है, जहां 38 अरब रुपए कम्युनिकेशन सेक्टर में सड़कों के लिए रखे जाते हैं, लेकिन नजर कुछ नहीं आता जनाबे वाला। अगर मैं और मुख्तसर अल्फाज में कहूं, ये जनाजा था 25 जुलाई 2018 को मिलने वाले अवाम के एतमाद का जो उन्होंने हमें दिया। ये कोई मामूली जनाजा नहीं था जहां पे 14 मासूम शहरी और उनमें से 9 का ताल्लुक एक ही खानदान से। आपने तस्वीरें देखी होंगी, उसमें पंजूर के नौजवान, उसमें बच्चे, उसमें हमारी बापरदा औरतें, उसमें बूढ़े, कोई ऐसा तबका फिक्र नहीं है जो इस हादसे का शिकार हुई, और ये पहला हादसा नहीं है जनाब स्पीकर। बलूचिस्तान में ये मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, बलूचिस्तान के अपने जो DIG हैं हमारे मोटरवे के जकरानी साहब, उनकी अपनी अरब न्यूज को दी गया इंटरव्यू है कि बलूचिस्तान के किलर हाईवे पर या रोड पर सालाना 6,000 से 8,000 के करीब अफराद दुख्मय अजल बनते हैं। और क्या मैं आपको क्या बताऊं, आपको खुद याद होगा कि 19 अक्टूबर 2019 को बलूचिस्तान का सबसे आला ओहदे पर फाइज
हमारा एक नौजवान दोस्त और साथी तारिक जहरी साहब इसी खूनी शरा की नजर जनाबे वाला उससे कुछ दिन पहले अगर 6 अक्टूबर 2019 को सानिया जो हुआ था जिसमें 17 के करीब जनाबे वाला अफराद शहीद हुए। इसके अलावा मेरे ख्याल किला सैफुल्ला वाला वाकया भी तो आपको याद हो। ये नहीं है कि खूनी शरा सिर्फ ये एक है, 15 के करीब अफराद 13 दिसंबर 2019 को लुक्मे अजल बन गए। बलोचिस्तान में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जहां पर ये खूनी शराएं इंसानों को निगलते हैं। कुछ बड़े वाकयात हैं जो रिपोर्ट्स हो रहे हैं, कुछ वाकयात हैं जो रिपोर्ट्स नहीं हो रही, यानी वट से निकलते लोग मोटरसाइकिल पे रोजाना बसों का शिकार बनते हैं, साइकिल वाले, गाड़ी वाले, खानदानों के खानदान, कुछ ऐसी वाकयात हैं जो सोशल मीडिया की अखबारों की नजर नहीं बनते। लेकिन जनाबे स्पीकर, ये अमवात का तसलसल, ये मौत का जो ये राज है, ये मौत का जो जो हमारे ऊपर जो है ताकत है, ये हमेशा से जनाबे वाला बलोचिस्तान में चलता आ रहा है। इन शाराओं को हमने मलामत नहीं चढ़ा। बलोचिस्तान की आबादी जब सब सिर्फ 18 लाख थी या 17 लाख थी 1896 में, उस अंग्रेजों के मरीन मिन्नत, काफरों के मरीन मिन्नत, उन्होंने बलोचिस्तान में 2 से 2500 किलोमीटर सड़कें बनाई। उस वक्त की आबादी, उस वक्त की गाड़ियों और उस वक्त की जरूरत तिजारत को मद्देनजर रखते हुए, हम अंग्रेजों के मरून मिन्नत है, उन काफिरों के जिन्होंने बलोचिस्तान में 2000 किलोमीटर रेल की पटरियां बिछाई, हम काफिरों के मरून मिन्नत है जिन्होंने ये खोजक पास जो एशिया का सबसे बड़ा टनल है जनाबे वाला उन्होंने बनाया। इस्लामाबाद ने हमें सिर्फ अमवात दी है, इस्लामाबाद ने सिर्फ हमें मातम दिया है, इस्लामाबाद ने सिर्फ हमें आंसू दिए हैं, इस्लामाबाद ने सिर्फ हमें लोथड़े दिए हैं, छीटड़े दिए हैं। जिंदा इंसानों को फेंका जाता है, गिराया जाता है, सड़कों पे हादसात का शिकार बनाया जाता है, बेरोजगारी के बाइस मनुष्यात का शिकार बनाया जाता है, बेरोजगारी के बाइस सरहदों पर 10-10, 20-20 लीटर तेल एक सरहद से दूसरे जाने जानवरों की तरह उठा के ये वाली जिंदगी हमें दी है जनाबे वाला। हम आज हमें गला भी साफ नहीं देता, कभी कभी अल्फाज साफ नहीं देते। अब थोड़ी देर की ये तस्वर करें, ये तो हमारे हजारा भाई अभी चले गए, बड़े खुशकिस्मत थे कि जब ये 11 इनके नौजवान शहीद कर दिए गए, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, उनके साथ क्या थी। लेकिन उनका इत्याद और इत्तेफाक था कि वो यहाँ पर 6 दिन तक बैठे रहे और उन्होंने मजबूर किया कि पाकिस्तान की पूरी मीडिया सब कुछ उनके मसले पे फोकस हो और उन्होंने अपने कुछ मुतालबात मंगवा लिए। हम सादे बलोच हैं, इधर लाश गिरती नहीं है, उधर कब्र खोद दिया और उठा के उसके अंदर डाल देते हैं, हम एहतजाज तक नहीं करते। अगर ये 14 लाशें उस दिन उत्तर के करीब इनके खानदान वाले रखते और हम सब जाके बैक जुबान को के ये मुतालबा करते कि जनाबे वाला बलोचिस्तान की इन खूनी शाराओं से मैं निजात दिला दो, अंग्रेज से आपने मुल्क ले लिया, बलोचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया, हमारी गैस के 77,000 अरब के करीब पैसे आपके ऊपर वाजिब अदा हैं, हमारा सोना, हमारा तांबा, हमारी चांदी, हमारे वसीउ अरीज साहिल को आपने सीपेक के हवाले से छाया के लिए पेश कर दिया, और कुछ नहीं, कम से कम हमारे लोगों को एक महफूज जरिए सफर तो फराम करें, हमें कुछ अच्छी सड़कें तो फराम करें। और ये कौन करता जनाबे वाला, ये कयादत करता है। आज दिल नहीं कर रहा था बात करने को, हम उनके गम में बोल रहे हैं कि ये आंसू जो हमारा दिल रो रहा है, मैं सोचा कि अब उन जो लवाकीन हैं उनसे इजहार हमदर्दी के लिए बोल रहे हैं। आज तो अफसोस है कि हुकूमत की जानिब से सारी कुर्सियां खाली हैं। इसीलिए कहा था कि रियासत मदीना में जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में उन्होंने कहा कि अगर दजला फरात के पास कोई कुत्ता भी प्यास से मरता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। आज उत्तल और नसबेला में वज़ीर-ए-आला साहब का हलका है, 14 खूबसूरत हमारे मासूम शहरी बापरदा औरतें, छोटे छोटे बच्चे
जिनका मुस्तकबिल था जनाबे वाला, वो छादा लाशें गिरी आज यहाँ पर असेंबली में। वो लोग को चाहिए हुकूमत को कि वो हमारा गला पकड़ते, क्या इस पे बहस करते हैं। हम इंसानों की अमवात को, इस पूरी खेल को, इस लाशों के गिरने को, इस चीतड़े उठाने को कैसे रोक सकते हैं। लेकिन नहीं, 3 साल से नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। हम सिर्फ अपना हक अदा कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों की बात यहां पर तारीख में रिकॉर्ड करने के लिए डाल रहे हैं। आप कौन सा डेटा आपको चाहिए? एक से एक डेटा जनाबे वाला यहां पर मौजूद है। और हमने सोचा था जब ये आएंगे तो इनसे बात करेंगे कि जी आपके पास का, हमारे पास कौन से रोड्स हैं, उन पर ट्रैफिक क्या है, उनकी लेंथ क्या है, उनकी विड्थ क्या है, इन तमाम मामला को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हम अपनी बीएसडीपी से जो 80-90 अरब रुपए की बीएसडीपी होती है, जिस तरह मेरे दोस्तों ने फरमाया कि जो कुछ इलाके पैचेज हैं जहां पर ट्रैफिक का रफ्तार ज्यादा है, 38 अरब रुपए हमने इस दफा कम्युनिकेशन की मद में रखा है। यहां से हमारे कुछ दोस्त चले गए, 10 अरब रुपए एक जिले में उन्होंने दिया है। 10 ऐसी सड़कें हैं जिन पे शायद गधा गाड़ी भी नहीं जाए बगैर मनसूबाबंदी के। यही चीजें अदालत में ले गए, 10 अरब रुपए एक जिले में दिए हैं जहां से सिर्फ और सिर्फ सड़कें मैदानों में बसरत तक जाएंगी। उन इलाकों में आबादियां भी नहीं है, वहां गधे गाड़ी भी नहीं जाएगा। जनाबे वाला, अगर 10 अरब रुपए आप कम अज कम जो पैचेस हैं जहां पर बलोचिस्तान की सड़कों में इस्लामाबाद नहीं देता, हम भी इतने भूखे नहीं है। बलोचिस्तान को खुदावंद तबारक ताला ने दिया है, अगर बलोचिस्तान बैंक बनता, बलोचिस्तान बैंक बनता, बलोचिस्तान बैंक अपनी रेवेन्यू जनरेट करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यह सड़क बनाता। मेरे दोस्त मुबीन ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सड़कें बनेंगी, 5,000 साल तक बलोचिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सड़कें नहीं बन सकती। ये मुल्क अंग्रेजों को दोबारा टेके पे दे दे, मैं अफसिया कहूंगा यहां लाशें गिरना कम हो जाएंगे, हमारी सड़कों पे हमारी माएं बहनों की चीतड़े उठना रुक जाएंगी। ये मुल्क और ये हुकूमत, ये हुकूमत इनसे चलाई नहीं जा रही कि लाशें इस तरह नहीं गिरती हैं। ये पूरा एक निजाम है, मैकेनिज्म है। मेरे दोस्त अकबर बेंगल साहब ने 2-3 चीजें की तरफ इशारा किया। ऐसे नहीं है कि बलोचिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है या कोई बलोचिस्तान में कोई मिनिस्ट्री नहीं है। आज मेरे भाई और जमाली साहब अभी तक ताजियत पे बैठे हैं, जमाले साहब के शायद आज यहां पे नहीं आए, लेकिन कम अज कम मोकपे की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग आ जानी चाहिए थी जब आज जावेद साहब ने यह तरीके से पेश किया कि बलोचिस्तान में वो क्या क्रिटिकल इश्यूज हैं जिनकी बुनियाद पर हम सड़कों को प्राप्त दुरुस्त कर सकते हैं। हम बसों पर ट्रैकर लगा सकते हैं, हम मुसाफिर गाड़ियों में जो तेल की स्मगलिंग है उसको रोक सकते हैं जनाबे वाला, हम ड्राइवरों का जो मुंशियात के हवाले से भाई ने जिक्र किया वो कर सकते हैं, हम ट्रेनिंग स्कूल ट्रैफिक और ट्रेनिंग स्कूल बना सकते हैं जो है लोगों को ट्रेनिंग कर सकते हैं, हम जो है सब्सिडी दे सकते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनियों को कि वो कम से कम मुसाफरों को अगर उनको अच्छी कीमतें नहीं मिलती है। बहुत बड़ा इश्यू इसके साथ कौन सा देखे जावेद स्पीकर, मैं आपसे इल्तजा करता हूं, हम बार बार बहुत सी चीजों पर आपको रूलिंग का कहते हैं, आप अभी 3 से 4 महीने के बाद दोबारा पीएसडीपी बनेंगे, बलोचिस्तान की पीएसडीपी बनेगी, वफाकी हुकूमत की पीएसडीपी बनेगी। मैं खुद गया, मैं छोटी सी मिसाल आपको दूं कि जो हुकूमतें बदनीयत होती हैं उसका असर शहरियों में पड़ता है। 2 साल पहले मैंने अपना खरान और अहमदाबाद का रोड पाकिस्तान असिस्टेंट प्रोग्राम जो है पैप जिसको कहते हैं, जो यूएई की गवर्नमेंट का $200 मिलियन का है, मैंने उस पर खरान और अहमदाबाद का रोड डलवा दिया। जब मौजूदा सूबाई हुकूमत को पता चला कि जनाबे वाला अपने ताल्लुक से, जाति ताल्लुक से, कोशिशों से खारान और अहमदाबाद का रोड डल गया है, 2 साल से जनाबे, मैं इसको जिक्र ही नहीं कर रहा था, जनाबे वाला बजाय कि हुकूमत फैसिलिटेट करता, सूबाई हुकूमत ने पाकिस्तान असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत यूएई का जो हमारा सड़क था 2 साल से जनाबे वाला उसको रोका हुआ कि जनाबे वाला इसकी जरूरत नहीं है, हम आपको कोई और तजवीज दे देंगे। हमारे अजला में मसल न ट्रांसपोर्ट के लिए न सड़कों के लिए, मैं तो ये समझता हूं कि आप स्पीकर हैं, हमने उस वक्त कहा था कि प्री बजट, पोस्ट बजट नहीं, बजट के बाद 7 दिन बहस होता है, बजट से 3-4 महीने पहले लाके बहस करें कि हमारे माशरे का अलमिया क्या है, किन माओ की फरियाद, उन बहनों की फरियाद, उन बच्चों की फरियाद जो इस मजबूर के साने में, तुर्बत के साने में, मच के साने में, जिन भी सानों में ये लोग जाते हैं, आपके ख्याल में कोई ऊपर सुनने वाला नहीं है?
वो तो ये तो नहीं जानते कौन ऑफिशियल में कौन हुकूमत में। आपने कभी कभी वीडियोस देखे होंगे, सब मिलके बदवाएं देते हैं हमें कि ये कैसे नुमाइंदे हैं कि इन्होंने हमें जो है मौत के कुएं में डाल दिया। बलोचिस्तान मौत का कुआं बन गया जनाबे वाला। किसी भी जगह पर मेरे दोस्त यूनुस साहब चले गए, 6.5 अरब रुपए कोरोना की मद में खर्च हुए, आपको एक पैसे का भी काम नहीं मिलेगा कि वो कहां पर चले गए। अद्वियात की मद में, फिशरीज की मद में, करप्शन वगैरह दूसरी तीसरी चीजें आपके सामने हैं। जनाबे वाला हम बंजूर समय दलोस्तान के अरहुस खानदान से यकीनन हमारी दर्दियां उनके साथ हैं। खुदावन तबारक ताला उनको सबर दे और खुदावन तबारक ताला हमें हिदायत करें बलोचिस्तान में मौत का एक राज है, इसको रोकने में जो है कोई पेशकदमी करे, कोई पहल करे, कोई ऐसी पॉलिसियां बनाए, अपने फंड्स, अपने तरक्याती स्कीमार, अपना जो डेवलपमेंट का हमारा विजन है उसको फोकस करें कि ये कौन इस दलदल से निकले। मनुष्यात के दलदल से हम नहीं निकाल पा रहे। आज सभी रोशनी में जो शहीद हुआ था 1 साल पहले, आज जनाबे वाला उसकी बरसी भी है। हमने आज तक, कल परसों आपने देखा यहां पर एक ऑपरेशन किया गया, क्वेटा की सारी सड़कें बंद हुई। हम मनुष्यात का खात्मा नहीं कर सके, हम अस्पतालों में अच्छी दवाइयां फराहम नहीं कर सके, हम बेरोजगारी का खात्मा नहीं कर सके, हम चेक पोस्टों का खात्मा नहीं कर सके। तो मैं जनाबे वाला आपसे इस्तेदा करता हूं कि आप कम अज कम इस तहरीक इल्तवा के हवाले से एक रूलिंग दें कि दोबारा मिलकर हम जाएं और वफाकी हुकूमत को यह आदयानी करवाएं कि खैरात नहीं मांगे। मैंने 10,000 मरतबा कहा है कि वफाकी हुकूमत हमारा मकरूज है। हमने इस मुल्क को खुदा जानता है कि अपनी ताकत हैसियत से ज्यादा दिया है। हमारे लोगों की लागर बदली, हमारी जाहिलियत तालीम से महरूमी, बेरोजगारी से महरूमी की बुनियादी वजह यह है कि हमारी सारी दौलत पर इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा तबके का कब्जा रहा है। हम अपनी गैस अगर जो कतर आज इस कीमत पर बेच रहा है, अगर 1952 से लेकर आज तक उस कीमत पर बेचते, ये हम दुनिया का अमीर तरीन खत्ता बन सकते थे। आज गैस की जो कीमत है इंटरनेशनली, जो गैस अभी भी बलोचिस्तान से निकलती है, अगर उसको इंटरनेशनल कीमत पर बेच दें, जनाबे वाला बलोचिस्तान के हर फर्द को माहाना 1 से 1.5 लाख रुपए घर बैठे मिल सके। ये कोई यतीमों का, महरूमों का, ये कोई उजाड़ सूबा नहीं है। इसको उजाड़ हमने और हमारी पॉलिसियों ने बना दिया, इसको हमारी हमारी गलत हिकमत अमली ने। जनाब जनाब स्पीकर साहब, मुझे उम्मीद है कि आप इसको रूलिंग देंगे कि कम अज कम इन इशारों से मुतल्लिक, बिजली से मुतल्लिक, सीपैक में अपने हक से मुतल्लिक, इन अमवात को रोकने के हवाले से हुकूमत यहां पर सीरियस और संजीदा एक डिबेट शुरू करवाए। और इस डिबेट में हुकूमत की सारी ये जो खाली नशस्तें आप देख रहे हैं, ये तारीख कैसा है देख रहे हो क्या बाबू? कम अज कम ये क्या कहते हैं कि हमारे बलूची में भी कहते हैं कि कोई मातम वगैरह होता है, कम अज कम आपका गम नहीं, आप थोड़ी देर के लिए जाके शरीक होते हैं तो लगता यह है क्या कम अज कम उस गम शरीकी आपने की है। लेकिन जनाबे वाला यहां पर वो गम शरीकी भी नहीं। मैं आखिर में एक शेर के साथ खत्म करता हूं, रोज पढ़ता हूं। ये बलूचिस्तान की बड़ी अच्छी शायरा है, जान आरा तबस्सुम खातून है, कहती है धड़कनों पर खौफ तारी है, जिंदगी आज कितनी बारी है, हर तरफ खून के हैं नक्शो निगार, हर तरफ खून के हैं नक्शो निगार, शहर पर जैसे संग बारी है, क्या खबर आज किसको मरना हो सड़कों के हवाले से, क्या खबर आज किसको मरना हो, क्या खबर आज किसकी बारी है, वैसा कह कहूं की बारी थी अब मगर सिर्फ आहुजारी है, आके में शहर जागता ही नहीं, आखिरों के बारे में कहा, आखिर में शहर जागता ही नहीं, किस कदर नींद इसको प्यारी है, अंगीते आईना मिजाज यहां मस्त, ये लाश भी हमारी है, जान कुर्बान है बलोचिस्तान, एक एक सांस तुझ पे बारी है, आखिर में शहर जागता ही नहीं, किस कदर नींद इसको प्यारी है। शुक्रिया जान सिंह।